आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में x था इसको ऊपर लेके गया, तो ये हो जाता आपके पास x पावर माइनस वन और अपॉन में चल रहा है x क्यूब प्लस वन dx, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो x पावर टू रह जाएगा आपके पास और डिनोमिनेटर में भी आपने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब प्लस वन dx ये बन रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे सब्सटीट्यूशन से। तो सब्सटीट्यूट किया मैंने, पुट करता हूँ मैं x पावर थ्री प्लस वन, है ना, इसको हम t ले लेते हैं। तो x पावर थ्री प्लस वन को आप t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखना होगा, इसका डिफरेंशिएशन वाला थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये सब्सटीट्यूशन हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये सब्सटीट्यूशन इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू तो डी टी बाई थ्री होगी, तो वन बाई थ्री तो बाहर ले लें और इंटीग्रेशन ये डी टी ऊपर रह गया आपके पास। एक्स क्यूब प्लस वन तो t था तो t पहले लिख लें और ये एक्स क्यूब की वैल्यू देखो यहाँ से t माइनस वन बन रही तो t माइनस वन हो गया, ठीक है। तो वन बाई थ्री, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से देख लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से एक तो आपने a बाई टी और प्लस b बाई टी माइनस वन ये बनता है। अब a और b की वैल्यू देखनी ना आपको, तो देखो ऊपर कितना बनना चाहिए, ऊपर प्लस वन बनना चाहिए, तो ऊपर प्लस वन कब बनेगा, अगर मैं सिंपल वन वन भी लूंगा तो आपके पास यहाँ पर तो t आएगा प्लस का और यहाँ t माइनस वन आएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तब तो आपके पास कैंसिल होगा नहीं, और माइनस करोगे तो भी एक प्रॉब्लम है, आपके पास माइनस वन बचेगा। तो आप क्या करो उस केस में, साइन चेंज करो, माइनस तो लगाओ आगे वाले के आगे ये माइनस वन और पीछे वाले के आगे लगाओ प्लस वन, है ना। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस टी और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस टी प्लस वन, तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल और प्लस वन बच जाएगा। तो इसका मतलब आपने ये जो पार्शियल फ्रैक्शन किया ये करेक्ट किया। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लें, तो वन बाई थ्री माइनस कॉन्स्टेंट वन बाई थ्री वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस, यहाँ भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है तो लॉग टी माइनस वन, ठीक है। तो आपके पास ये log m माइनस log n प्रॉपर्टी बन जाती है, तो वन बाई थ्री log m बाई n, तो t माइनस वन अपॉन t, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, वन बाई थ्री log t, में तो आंसर दे नहीं सकते, t तो आप लेके आना, देखो t की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस वन है, तो x क्यूब प्लस वन पुट करोगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ऊपर x क्यूब रह जाएगा और नीचे t की वैल्यू x क्यूब प्लस वन, ठीक है। ये फाइनल आंसर, ऑप्शन चेक कर लें आप यहाँ से, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।